ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, जिसमें पॉइंट का फ्रंट व्यू टॉप व्यू हमने बनाया था और पॉइंट की लोकेशन एचपी और वीपी से गिवन थी। हमने समझा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट है तो फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, टॉप व्यू कहाँ बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में तो फ्रंट व्यू टॉप व्यू की पोजीशन क्या होगी, थर्ड में है तो क्या होगी और फोर्थ में तो क्या होगी। और पॉइंट यदि किसी प्लेन में होता है, एक पॉइंट दोनों प्लेन में लाई करता है, तो इट मीन्स कि उसका जो फ्रंट व्यू है टॉप व्यू वह एक्स वाई लाइन पे होगा, ठीक है। और जिस प्लेन में वो पॉइंट लाई करता है, से द पॉइंट लाई इज लाइंग इन द एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट की एक्चुअल पोजीशन जो है वो टॉप व्यू में मिलेगी और फ्रंट व्यू हमें एक्स वाई लाइन पे मिलेगा। एंड इफ द पॉइंट इज सिचुएटेड इन द फ्रंट व्यू, सो फ्रंट व्यू उसकी पॉइंट की पोजिशन देगा एंड इट्स टॉप व्यू विल बी ऑन एक्स वाई लाइन, टॉप व्यू में एक्स वाई लाइन पे मिलेगा। तो हमने कुछ पॉइंट्स के बनाए भी थे प्रोजेक्शंस, तो उसी को हम कंटिन्यू थोड़ा सा करते हैं। और लेट अस ड्रॉ द प्रोजेक्शंस कि देर आर टू पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी इज देयर। पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी एंड इट इज से 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। एंड पॉइंट बी इज ऑल्सो 10 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ दिस टू पॉइंट्स एंड कीप द डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर्स इज 40 mm। दिस इज द प्रॉब्लम, ठीक है। द प्रॉब्लम इज समझ में आया व्हाट वी हैव टू डू। सो लेट अस ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ दिस टू पॉइंट्स। सो दिस इज एक्स वाई लाइन, फर्स्ट वी विल ड्रॉ द एक्स वाई लाइन, देन वी ड्रॉ द प्रोजेक्टर ऑफ ए। सो दिस पॉइंट इज देन ए जीरो, देन वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्टर ऑफ बी। सो बी का प्रोजेक्टर वी कैन ड्रॉ ऑन राइट हैंड साइड और वी कैन ड्रॉ ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो। वी कैन ड्रॉ बी एट 40 mm फ्रॉम ए, ए के प्रोजेक्टर से बी का डिस्टेंस 40 mm। तो 40 mm ऑन दिस साइड और 40 mm ऑन दिस साइड, बोथ आर करेक्ट, वी कैन टेक ऑन दिस साइड और ऑन दिस साइड। सो एज अवर प्रैक्टिस कि वील स्टार्ट विद द लेफ्ट पॉइंट, तो हम यहां से लेते हैं और यहां पर इससे 40 mm के डिस्टेंस पे वो राइट ले वो ले लेंगे, ये 40 mm का डिस्टेंस हो जाएगा। सो यहां से यहां तक, सो दिस इज बी जीरो। सो ये ए का प्रोजेक्टर एंड दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ बी। सो ऑन ए प्रोजेक्टर ऑफ ए पॉइंट ए डैश विल लाई ऑन एंड ए विल लाई बी डैश, और बी यहाँ रहेगा। सो कहाँ पे रहेगा कि ए इज 10 mm अबव एचपी, ए इज 10 mm अबव एचपी। सो फ्रॉम एक्स वाई ए डैश विल लाई 10 mm अबव एचपी। सो दिस इज ए डैश, दिस डिस्टेंस इज 10 mm एंड इट इज 10 इन फ्रंट ऑफ वीपी। सो 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, इन फ्रंट ऑफ वीपी मीन्स एक्स वाई के नीचे। सो 10 mm दिस, सो दिस इज पॉइंट ए द टॉप व्यू, दिस डिस्टेंस इज 10 mm एंड दिस इज द लोकस ऑफ द पॉइंट, ये ए का लोकस है।
फ्रंट व्यू एक्स वाई से 10 mm ऊपर ही रहेगा, सो 10 mm यहाँ यहाँ जो है दिस विल बी द लोकस, सो लोकस लाइन भी हमने ड्रॉ ली. नाउ बी, सो बी इज 10 अबव एच पी, सो दिस इज बी ऑल्सो बी डैश एंड दिस इज बी, सो द फ्रंट व्यू ऑफ बी इज 10 mm अबव एच पी एंड टॉप व्यू इज 10 mm बिलो एच पी. सो दिस इज फ्रंट व्यू ऑफ ए डैश बी डैश. कोई प्रॉब्लम इसमें समझ में नहीं आया हो बनाने में? सर एक बार शुरू से बता दो ना सर एक बार. सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट ए इज 10 mm अबो एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. नाउ पॉइंट बी इज, ट्वेंटी एम एम अबो एच पी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वी पी. So these are the two points, and the distance between the projectors of these two. So this is the distance between the projectors, A0 and B0 in audience. So this is given as 40 mm. Now we have to draw the projection of these two points. So for drawing the projections, first of all we'll draw XY line. Then the projector of A. So this is the projector of A. So this point is A0. Then draw the projector of B. So the projector of B, this is the projector of A. The projector of B is 40 mm away from A. So 40 mm away from A, it may be on this side or it may be on this side. So draw any side. So I am drawing on right side. So this is the projector of B. So this point is B0. B dash 20 above HP. So B dash will lie 20 above HP. So this is, if this is 10 mm, this is 20 mm. So this is the point B dash. This distance is 20 mm. 10 in front of VP, so the top will lie below HP, below XY. So this is the 10 mm distance. So this distance is 10 mm. So here the point is B, the top view, and point A. A is 10 mm above HP. So this is 10 mm above HP. And 10 mm in front of VP. So 10 mm in front of VP means this. So this point is A and this point is A dash. So these are the projections of point A and B when their projectors are 40 mm away. Their projectors are 40 mm away. ठीक है, is there any problem? कोई समस्या तो नहीं, समझ में नहीं आया हो? आगे बढ़े सर, 10 mm सर नीचे आएगा, ऊपर ये साइड में आएगा सर? कौन सा सर ये 10 mm वर्टिकल प्लेन का सर नीचे कैसे आया सर? भाई फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड ले रहे हैं तो उसमें जो है वो टॉप व्यू एक्स वाई के नीचे बनता है, तो एक्स वाई के नीचे का डिस्टेंस कहाँ से आएगा? वर्टिकल प्लेन से दूरी, जो हमने लास्ट क्लास में समझाया था.
ठीक है, क्योंकि हम हॉरिजेंटल प्लेन को रोटेट करते हैं 90 डिग्री से। ये सही है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन और ये वर्टिकल प्लेन, तो ये पॉइंट यहां से यहां है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये रहा पॉइंट आपका, दिस इज ए पॉइंट। ठीक है, यहां से ये इतना 10 mm का डिस्टेंस है और ये 40 mm का डिस्टेंस है, तो ये टॉप व्यू यहाँ बनता है, फ्रंट व्यू यहाँ बनता है। तो हम इस प्लेन को क्या करते हैं, 90 डिग्री से रोटेट करते हैं। इस तरह से रोटेट करते हैं तो प्लेन नीचे आ जाता है, इस प्लेन तो ये टॉप व्यू भी नीचे आ जाता है, तब ये एक्स वाई लाइन के नीचे आएगा। ठीक है, वो लास्ट क्लास में हमने समझाया था, यू कैन रेफर द क्लास रिकॉर्डिंग, लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा रिकेप था। अब हम जो है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्शंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के क्या पैरामीटर होते हैं, कि एक लाइन है तो लाइन में क्या होता है, इट इज हैविंग टू एंड पॉइंट्स, दो एंड पॉइंट्स होते हैं इसके, एंड इट इज हैविंग सम लेंथ एंड रेफरेंस विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस, इधर एक्स एक्सिस और द वाई एक्सिस के साथ में इसका क्या रिलेशन है, सो दैट इज एंगल। सो यहां पर इन इंजीनियरिंग ड्राइंग द रिलेशन इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन्स, सो विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन्स, रिस्पेक्ट टू प्लेन, रेफरेंस इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन, कि प्लेन से लाइन का क्या रिलेशन है। सो दीज आर द पैरामीटर्स। नाउ टू एंड पॉइंट्स, सो एंड पॉइंट्स का रिलेशन एचपी एंड वीपी से, सो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हमने पढ़ा है। सो इफ वी ट्रीट कि देर इज अ लाइन, यदि इस प्रॉब्लम को मैं फ्रेम करूं, सो आई कैन फ्रेम दिस प्रॉब्लम लाइक दिस, कि देर इज अ लाइन ए बी हुज एंड पॉइंट ए इज 10 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, एंड द अदर एंड बी इज 20 mm अबव एचपी एंड 10 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑन अ लाइन इज 40 mm, सो ड्रा द प्रोजेक्शंस ऑफ लाइन, मीन्स ड्रा द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन मीन्स ड्रॉ इट्स फ्रंट व्यू, ड्रॉ इट्स टॉप व्यू एंड ड्रॉ ऑल्सो इट्स साइड व्यू, बिकॉज लाइन है तो वी नीड टू हैव साइड व्यू ऑल्सो, सो फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ एंड पॉइंट ए, दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ एंड पॉइंट बी, सो इफ यू ज्वाइन दिस देन दिस विल बी द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी, एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ लाइन ए, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ एंड पॉइंट ए एंड दिस इज द टॉप व्यू ऑफ एंड पॉइंट बी, सो इफ यू ज्वाइन दिस टू टॉप व्यू देन दिस विल बी द टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी, तो ये ए बी का फ्रंट व्यू और ये ए बी का टॉप व्यू हो गया, एंड ठीक है, एंड द लाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजेंटल प्लेन,
सो दिस एंगल इज थीटा. द लाइन इज इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, तो लाइन का क्या होगा? दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन में, उसकी लेंथ होती है और एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. सो द कंडीशन इज कि वी हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शंस गिवन दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो नाउ व्हाट विल बी द पोजीशंस ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. सो लाइन कैसी होगी हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन से? से ओके ये ले, दिस इज माय वन प्लेन, दैट इज द वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज माय हॉरिजॉन्टल प्लेन. हाँ ठीक है, दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन. सो व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू दिस टू प्लेन्स? नाउ इफ माय लाइन इज दिस, दिस इज द माय लाइन. So what will be the position with respect to the horizontal plane and with respect to the vertical plane? क्या पोजीशन है? से दिस इज एंड पॉइंट ए एंड दिस इज एंड पॉइंट बी. सो इसको यहां से प्रोजेक्ट करते हैं, दिस इज द प्रोजेक्टर, ये प्रोजेक्टर रहा वर्टिकल प्लेन की तरफ और ये प्रोजेक्टर रहा वर्टिकल प्लेन की तरफ, पॉइंट ए का वो पॉइंट बी का. ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टर्स इज दिस, सो दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन प्रोजेक्टर्स ऑफ पॉइंट एंड पॉइंट ए एंड एंड पॉइंट बी. नाउ दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लेन टू दिस एंड फ्रॉम दिस प्लेन टू दिस एंड पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज सेम. द डिस्टेंस इज सेम, ए और बी की दोनों की डिस्टेंस इस वर्टिकल प्लेन से सेम है. इसका मतलब क्या हुआ कि दिस लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन. द लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है लाइन. तो इसका मतलब कि इस लाइन का फ्रंट व्यू, द फ्रंट व्यू ऑफ दिस लाइन, द फ्रंट व्यू ऑफ दिस लाइन, दिस इज द फ्रंट व्यू, से दिस इज द फ्रंट व्यू. ये बड़ा छोटा है, दिस इज लाइन पैरेलल टू वीपी, सो दिस इज द फ्रंट व्यू. नाउ फ्रंट व्यू ऑफ लाइन इज, फ्रंट व्यू क्या होगा? फ्रंट व्यू इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू द एक्स वाई, दिस इज द एक्स वाई लाइन आल्सो, सो दिस इज द एक्स वाई लाइन आल्सो. सो द फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड इक्वल इन लेंथ विथ द ओरिजिनल लाइन, ओरिजिनल लाइन की लेंथ के बराबर. नाउ दिस इज द रिलेशन विथ वर्टिकल प्लेन. नाउ व्हाट इज द रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन? कोई मुझे बताएगा? Anyone tell me what is the परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर this line? What is the position of this line with respect to horizontal plane? बताओ. अभी जो रिलेशन मैंने समझा है वर्टिकल प्लेन के साथ में, वो समझ में आई या नहीं?
सर एक बार फिर से बता दो। दिस इज से अ लाइन, दिस इज द एंड पॉइंट ए एंड दिस इज द एंड पॉइंट बी। द लाइन इज प्लेस्ड हियर, व्हाट इज द पोजिशन ऑफ दिस लाइन? दोनों प्लेन में है सर वो। यस, दोनों प्लेन में है। एंड और क्या दोनों प्लेन में है? और इसके अलावा पैरेलल पैरेलल टू बोथ प्लेन। बोथ द प्लेन्स, द लाइन इज इन बोथ द प्लेन्स एंड पैरेलल टू बोथ द प्लेन्स एंड परपेंडिकुलर टू साइड प्लेन। साइड प्लेन, प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो होगा कि व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, देन इट इज परपेंडिकुलर टू प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, अब दिस पोजीशन इज क्लियर, समझ में आया? तो इसका फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहां बनेगा इस लाइन का? इस लाइन का फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कहां बनेगा? एक्स वाई एक्सिस पे। एक्स वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, नाउ इफ दिस पोजीशन इज क्लियर, अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करूं, मैंने ए पॉइंट सर और बी पॉइंट को वर्टिकल प्लेन से 50 mm की डिस्टेंस पे रख दिया। दिस डिस्टेंस इज 50, दिस डिस्टेंस इज 50। नाउ व्हाट इज द पोजिशन ऑफ दिस लाइन? नाउ अब क्या पोजिशन हुई एचपी और वीपी से? सर पैरेलल रही सर दोनों। यस, द लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड द लाइन इज पैरेलल टू एचपी बोथ। ठीक है, अब यस सर। मैंने इस लाइन को यहां से उठा रहा हूं और वर्टिकल प्लेन से इनका डिस्टेंस इतना ही रहने देता हूं। कितना है? यहां से 50, यहां से 50। ठीक है, और मैंने इस लाइन को उठाया और इस तरह से उठाया कि एचपी और वीपी से भी इसका डिस्टेंस 50 mm हो जाए, सॉरी एचपी से इसका डिस्टेंस 50 हो जाए दोनों एंड का। ये अब क्या पोजीशन हुई लाइन की? पैरेलल रही ऑफिस। पैरेलल रहेगी, पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब फ्रंट व्यू में क्या आएगा? फ्रंट पैरेलल रही सर। ये फ्रंट व्यू, ठीक है ना, और ये टॉप। 50 mm ऊपर रही सर वो। हाँ, और 50 mm नीचे टॉप व्यू रहेगा। यस और लाइन का फ्रंट व्यू एक्स वाई लाइन के पैरेलल और लाइन का टॉप व्यू भी एक्स वाई लाइन के पैरेलल रहेगा। समझ में आया कि नहीं? ये फ्रंट व्यू यहां बना, एक्स वाई से कितना ऊपर? 50। और टॉप व्यू यहां बनेगा, यहां पर ये दिस इज 50। ठीक है ना, तो ये 50 यहाँ आएगा ऊपर फ्रंट व्यू और ये 50 यहाँ पे दूरियां पे टॉप। सो दिस पोजीशन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। ये लाइन की पोजीशन है, लाइन एचपी के भी पैरेलल है और वीपी के भी पैरेलल है। अभी क्या है? अभी क्या है? पैरेलल दोनों। दोनों के पैरेलल है, लेकिन अभी एक चीज और इसमें ऐड हुई है। द लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ
एंड इज इन द एचपी, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो लाइन हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी है कि नहीं? ठीक है, तो अब ठीक है, लाइन इज इन एचपी, पैरेलल टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। अब इस लाइन को मैं यदि उठा के इस वर्टिकल प्लेन में रख दूं, यहां पर ए और बी का डिस्टेंस वर्टिकल प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन से सेम है, 50 50, तो द लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड गुड, वर्टिकल बट इज इन द वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, सो वन पोजीशन इज लाइन पैरेलल टू, पोजीशन लिख लेते हैं हम लाइन की, ठीक है, पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी। सो वन पोजीशन इज लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ। ठीक है, पहले हम कंडीशन ढूंढते हैं कि क्या 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 होगी, मतलब पोजीशन क्या होगी पहले। तो एक पोजीशन और डिफाइन हो गई कि स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन बोथ। ठीक, अगली पोजीशन, द लाइन इज प्लेस्ड इन दिस पोजिशन, और चलो सिंपल पोजिशन ले, नाउ द लाइन इज लाइक दिस, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी, सही, द लाइन इज प्लेस्ड लाइक दिस। So, क्या पोजीशन है ये लाइन की? परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू साइड प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल हाँ पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन, पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन। ठीक है, एंड व्हाट अबाउट दिस पोजीशन? परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर प्लेन, पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, पैरेलल परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल प्लेन, वर्टिकल टू वर्टिकल प्लेन। प्लेन, ठीक है, एंड पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन आल्सो। ठीक है, तो क्या क्या पोजीशन हो गई? एक पोजीशन थी पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, दूसरी पोजीशन हो गई परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, और एक पोजीशन और हो गई कि परपेंडिकुलर टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। ठीक है, चलो ये तीन पोजीशन समझ में आ गई तीनों? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट पोजीशन। हाँ, व्हाट इज दिस पोजीशन नाउ?
ये पोजीशन कौन सी है, कोई बताएगा? पैरेलल पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन, टू हॉरिजेंटल प्लेन, करेक्ट। इंक्लाइंड भी है सर उस वर्टिकल, किससे? तो वर्टिकल, इंक्लाइन वर्टिकल से और लाइज इन द हॉरिजेंटल प्लेन। हाँ, द लाइन इज इन द हॉरिजेंटल प्लेन एंड इंक्लाइंड विथ द वर्टिकल प्लेन। ये एंगल, ये रहा एंगल, दिस इज द एंगल, ठीक है। लाइन पैरेलल टू वर्टिकल हॉरिजेंटल प्लेन, अभी मैंने दी इसको यहां से उठा के यहां रख लिया, ए और बी का डिस्टेंस हॉरिजेंटल प्लेन से सेम रखा और वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस चेंज कर दिया इसका, ये एंड ए का ये है और एंड बी का ये है, या मैंने इसको इस तरह से रखा इस तरह। अभी क्या पोजीशन है? सेम है सर, सेम है। द लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन एंड इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन। अब मैं इसको ऐसा स्पेस में रोटेट कर दूं, ये कीपिंग द डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजेंटल प्लेन सेम, तो लाइन प्लेन ही लाइन पैरेलल रहेगी हॉरिजेंटल प्लेन के, लेकिन वर्टिकल प्लेन के साथ में इसका एंगल चेंज हो रहा है। ये अभी एंगल 0 हो गया वर्टिकल प्लेन के साथ, अब ये चेंज हुआ, अभी एंगल वर्टिकल प्लेन के साथ 90 डिग्री का हो गया, ने फिर और चेंज किया, दिस इज द एंगल, ठीक है। सो एक पोजीशन हमें और मिली, कि लाइन इज इंक्लाइंड टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। ये चारों केस में कोई डाउट किसी भी तरह का पोजीशन में? सिंपल है, बहुत सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है? चलो अगला पोजीशन, दिस इज द नेक्स्ट पोजीशन। द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम हॉरिजेंटल प्लेन इज से 20 mm एंड फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द हॉरिजेंटल प्लेन इज 50 mm। ये 50 का है, ये 20 का है, और इसका वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस 50 है और इसका वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस 50 है, मतलब वर्टिकल प्लेन से सेम डिस्टेंस पे है और हॉरिजेंटल प्लेन से दोनों एंड पॉइंट का डिस्टेंस अलग वेरी हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, क्या पोजीशन हुई लाइन की? पैरेलल टू वर्टिकल पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, करेक्ट, प्लेन इंक्लाइंड क्योंकि ऑन हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइन टू हॉरिजेंटल प्लेन, करेक्ट, ठीक है। सो द लाइन इज इंक्लाइन टू हॉरिजेंटल प्लेन ऐसे या ऐसे, दिस इज ऑल्सो द सेम पोजिशन, दिस इज द इंक्लिनेशन विथ हॉरिजेंटल प्लेन, ये हॉरिजेंटल प्लेन से इंक्लिनेशन, तो आप इसको इस एंगल पे लाइन को घुमा सकते हो, यू कैन रोटेट द लाइन अबाउट दिस पॉइंट कीपिंग द एंगल कॉन्स्टेंट, ये हॉरिजेंटल प्लेन से। ठीक है, सो अभी पोजिशन ये है, Hence it is inclined with the horizontal plane and parallel to vertical plane. So this is the position, fifth position of inclined to horizontal plane and parallel to vertical plane. ठीक है, नेक्स्ट पोजिशन ऑफ दिस लाइन, और क्या हो सकती है पोजिशन की? लाइन इज दिस, ये हुआ एंड ये हो गया, नाउ व्हाट इज द पोजिशन? सर इंक्लाइन बोथ द प्लेन्स, यस, इंक्लाइन टू बोथ द प्लेन्स, इट हैज इंक्लिनेशन विद द वर्टिकल प्लेन एंड इट हैज इंक्लिनेशन विद द हॉरिजेंटल प्लेन,
तो द लाइन इज इंक्लाइन टू बोथ द रेफरेंस प्लेन्स एचपी एंड वीपी. सो दिस इज द नेक्स्ट पोजिशन कि इंक्लाइन टू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल प्लेन बोथ. दीज आर द पॉसिबल पोजिशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस प्लेन्स. ये रेफरेंस प्लेन्स है, इसकी पोजिशंस होंगी. ठीक है, नाउ लेट अस ड्रॉ द प्रोजेक्शंस ऑफ दिस लाइन. इन लाइंस के प्रोजेक्शन हम ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज, ये पोजिशन समझ में आई? यस सर. तो इसके प्रोजेक्शन हम बना सकते हैं. अरे हाँ या ना? हाँ यस सर, धीमे आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट है. ठीक है ना, डाउट है ना थोड़ा सा सर? वो इंक्लाइंड वाला पार्ट वो ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा कितना डाउट है. हाँ, ये पैरेलल टू एचपी एंड वीपी इसका बन जाएगा. यस सर, मोस्ट प्रोबेबली. हम बना के देख लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बना के देखते हैं. थोड़ा सा स्लो अभी यहां पर मैं समझाऊंगा ताकि हम यहां पर क्लियर हो सके, कोई डाउट ना रहे. ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ा दिया ना तो क्या होगा कि दोपहर का टाइम है, खाना खा के बैठे हैं. ठीक है ना, तो पढ़ाते पढ़ाते क्या हो जाएगा कि आप में से कई लोग सो जाएंगे. ठीक है, तो सोना नहीं है, जगना है. तो हम क्या करते हैं, पहला वाला केस लेते हैं और उसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू हम बनाते हैं. चलो ठीक है, किस तरह से, अब यहां से समझो, ये रहा हमारा प्लेन. ये कौन सा प्लेन है? वर्टिकल प्लेन है. ठीक है, और ये कौन सा प्लेन है? मैं ही जवाब दे देता हूं, आप तो दोगे नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन. ठीक है, अब हम लेते हैं दो पॉइंट, दिस इज एक्स वाई, या एक लाइन है विच इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ. तो लाइन कैसी होगी? दिस विल बी द लाइन विच इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ. दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. होगी एचपी और वीपी दोनों से पैरेलल? यस सर. हाँ सर. ये एज, ये पैरेलल एज, ये पैरेलल एज, तो दिस लाइन इज पैरेलल. ये ए का यहां से डिस्टेंस, बी का यहां से डिस्टेंस सेम है. ए का वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस, बी का वर्टिकल प्लेन से डिस्टेंस सेम है. तो दिस लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ. ठीक है, तो इसके प्रोजेक्टर्स बना लेते हैं. यहां से भी तो दिस पॉइंट इज ए डैश एंड दिस पॉइंट इज बी डैश. ठीक है, एंड दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी. ये टॉप व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू. सो दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू.
नाउ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू की पोजीशन क्या हो गई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई लाइन? सर फ्रंट व्यू आवाज हो जाएगा और टॉप व्यू बिलो। हाँ दैट इज ओके, बट एक्स वाई के इंक्लाइंड रहेगा या एक्स वाई से पैरेलल रहेगा या परपेंडिकुलर रहेगा? नहीं सर, पैरेलल रहेंगे ना एक्स वाई से तो। यस, सो so this is a dash b dash, so this is the front view of a line, this is parallel to xy line, this is top view of a line ab, this is also parallel to xy line, theek hai? Top view ka xy se distance kitna? distance from vertical plane. front view ka xy se distance? डिस्टेंस फ्रॉम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और फ्रंट व्यू की लेंथ और टॉप व्यू की लेंथ और एक्चुअल लाइन की लेंथ, तीनों लेंथ क्या रहेगी? सेम सर, सेम रहेगी। सो फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू, सो हियर फ्रंट व्यू लेंथ is equal to top view length is equal to actual length, या यहां पर हम कहते हैं true length of line, that is a dash b dash is equal to ab is equal to capital AB। ये चीज ठीक है, projections draw कर लो। प्रोजेक्शंस क्या होंगे? ये हो गई हमारी एक्स वाई लाइन, ये ए का प्रोजेक्टर, ये बी का प्रोजेक्टर, इतनी दूरी पे यहां से यहां तक, ये दिस इज ए जीरो बी जीरो, ये रहा ए डैश, ये रहा ए, दिस इज आल्सो बी डैश और ये बी। तो फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, टॉप व्यू आल्सो पैरेलल टू एक्स वाई, और इस प्रोजेक्शंस में ही हमें ट्रू लेंथ भी मिलेगी, दोनों दोनों व्यूज की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, इतना समझ में आया? ये जो प्रॉब्लम हमने किया था पहला वाला, ये प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम इज व्हाट? ए इज 10 अबव एचपी, 10 इन फ्रंट ऑफ वीपी, बी इज 10 अबव एचपी, 10 इन फ्रंट ऑफ वीपी, और ए जीरो बी जीरो डिस्टेंस बिटवीन देयर प्रोजेक्टर इज 40 mm, तो लाइन एचपी और वीपी दोनों के पैरेलल है, यदि ए बी लाइन ए बी है तो ये किसी ए बी लाइन के प्रोजेक्ट एंड पॉइंट है। ठीक है, इस लाइन का वर्टिकल प्लेन से एंगल जीरो, हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल जीरो, ठीक है, ये समझ में आया? सो इसके प्रोजेक्शंस पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, इसमें क्या होगा, फ्रंट व्यू की लेंथ टॉप व्यू की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर होगी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें पहले वाले पोजिशन में? अब सेकेंड वाली पोजीशन लेके बनाते हैं इसका प्रोजेक्शन। सो सेकेंड पोजीशन इज दिस, दिस इज अवर टू प्लेन्स, अभी मैं प्लेन पे समझाऊंगा फिर हम इसके एक्स वाई लाइन पर बनाएंगे ना प्रोजेक्शंस, क्या कि हमें कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। So, ये हमारा वर्टिकल प्लेन और ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और हमारी लाइन जो है वो सेकंड क्या पोजीशन है कि द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी,
तो दिस इज द लाइन ए बी, द पोजिशन ऑफ दिस लाइन इज, द लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड परपेंडिकुलर टू एचपी, तो इसके प्रोजेक्शंस ड्रॉ करो। प्रोजेक्शंस ड्रॉ कर लेते हैं। सो ए का प्रोजेक्शन वर्टिकल प्लेन में आएगा, दिस इज बी का प्रोजेक्टर हमने बनाया यहां से, ये रहा। सो दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन, ये ए डैश हो गया, ये बी डैश हो गया, ठीक है ना। टॉप व्यू, सो टॉप व्यू यहाँ ऊपर से देखा हमने टॉप व्यू के लिए, तो ए और बी दोनों पॉइंट एक ही लाइन में है, तो हमें टॉप व्यू में क्या मिलेगा? पॉइंट सर कौन सा ऐड नहीं कर जाएंगे? सिंगल पॉइंट, टॉप व्यू में हमें पॉइंट नहीं क्या दिखेगा। जैसे आप ए बी इस प्लेन को देखोगे ऊपर से, तो यहां पर ये, तो आपको अभी क्या दिख रहा है? दिस इज द पॉइंट जो ऊपर, और ये नीचे वाला पॉइंट ये है, ये टॉप व्यू होगा। सो टॉप व्यू में आपको ये पॉइंट मिलेगा, दिस पॉइंट इज ए कॉमा बी। ए ऊपर है तो ऊपर पहले दिखेगा, बी उसके नीचे आ जाएगा, तो ये बी उसके नीचे बाद में। सो टॉप व्यू क्या होगा? पॉइंट होगा। और फ्रंट व्यू क्या होगा? इस कंडीशन में लाइन टॉप व्यू पॉइंट है और फ्रंट व्यू ये लाइन है, ठीक है, फ्रंट व्यू ये लाइन है, तो हमें यहां मिलेगा फ्रंट व्यू एक लाइन रहेगा, टॉप व्यू पॉइंट रहेगा और फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू का एंगल, फ्रंट व्यू एक्स वाई से कितना इंक्लाइंड होगा? फ्रंट व्यू इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विथ एक्स वाई लाइन, ये लाइन है ना, दिस इज फ्रंट व्यू। इस फ्रंट व्यू का एंगल क्या है इस एक्स वाई के साथ में? दिस इज द एंगल, सो 90 डिग्री। और फ्रंट व्यू की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर, जितनी ये ए बी है उतनी ही ए डैश बी डैश है। वाय, ऐसा क्यों? बिकॉज लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन। तो रिमेम्बर, लाइन जिस प्लेन के पैरेलल होगी उस प्लेन में जो भी प्रोजेक्शन बनेगा वो इक्वल लेंथ का होगा। सो जैसे दिस लाइन इज पैरेलल टू एचपी वीपी, सो वीपी में इसका कौन सा व्यू बना? फ्रंट व्यू, तो फ्रंट व्यू की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर होगी, ठीक है। फ्रंट व्यू इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विथ एक्स वाई एंड लाइन ट्रू लेंथ लाइन की इंक्लाइंड एट 90 डिग्री विथ हॉरिजेंटल प्लेन, लाइन हॉरिजेंटल प्लेन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाते। तो क्या क्या चीजें हुई इसमें? फ्रंट व्यू इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, टॉप व्यू इज अ पॉइंट, फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ठीक है। ये केस समझ में आया? डाउट है अभी इसमें? सो गए क्या? नहीं नहीं, सर, कुछ डाउट है? समझ में आया? हाँ सर, कोई डाउट है तो प्लीज, यस कोई सर, डाउट हो तो पूछ लेना। आ गए हाँ, सर। सो दो केसेस हमने किए अभी है, दो केसेस के प्रोजेक्शन हम बना रहे हैं, पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ,
और परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी। तो पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ में क्या हुआ, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई लाइन के पैरेलल बने थे, दोनों की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर थी। सेकेंड पोजिशन जो परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, यहां पर इस केस में फ्रंट व्यू की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर, और फ्रंट व्यू एक लाइन बनेगी, फ्रंट व्यू एक लाइन होगा जो कि एक्स वाई से 90 डिग्री पे होगा, और टॉप व्यू पॉइंट बनेगा। ठीक है ना, थर्ड केस। दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, नाउ दिस इज द लाइन, दिस पॉइंट इज से ए, दिस पॉइंट इज बी। नाउ व्हाट इज द पोजिशन, सो दिस इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू वीपी, वीपी के परपेंडिकुलर है, और पैरेलल टू एचपी, एचपी के पैरेलल है। तो ड्रा द प्रोजेक्ट प्रोजेक्शंस, दिस इज एचपी एंड दिस इज वीपी। तो प्रोजेक्शंस ड्रॉ करें, सो फ्रंट व्यू, दिस इज द प्रोजेक्टर फॉर द फ्रंट व्यू, ये रहा फ्रंट व्यू। सो फ्रंट व्यू विल बी अ पॉइंट एंड टॉप व्यू, इसको प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट ये हुआ, ये ए आया। सो दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज टॉप व्यू, ये टॉप व्यू। तो क्या हुआ इस व्यू में, इस पोजीशन में क्या आ रहा है, फ्रंट व्यू इज अ पॉइंट। ठीक है ना, फ्रंट व्यू क्या मिला, एक पॉइंट मिला, एंड व्हाट इज द टॉप व्यू, लाइन टॉप व्यू इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर है ना, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई, सो टॉप व्यू इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड टॉप व्यू लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन। ये जो टॉप व्यू की लेंथ है, दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ व्हिच इज द ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन, ये लाइन की ट्रू लेंथ के बराबर टॉप व्यू की लेंथ। ठीक है, इसके प्रोजेक्शंस, ये रहा एक्स वाई लाइन, दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ ए, और बी का प्रोजेक्टर कहाँ होगा, ए का प्रोजेक्टर और बी का प्रोजेक्टर कहाँ होगा, जीरो, यही होगा प्रोजेक्टर भी, बी का भी, सो दिस इज आल्सो बी जीरो। ठीक है, सो दिस डिस्टेंस, सो दिस दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल प्लेन, सो दिस पॉइंट इज ए डैश एज वेल एज बी डैश बोथ। टॉप व्यू, टॉप व्यू ये बी का डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस ए का है, सो बी इज नियरर टू एक्स वाई, दिस डिस्टेंस इज बी, और ए दूर है इस वर्टिकल प्लेन से, तो ये यहां पर ये रहा ए एंड दिस इज द लाइन टॉप व्यू ऑफ लाइन। सो दिस टॉप व्यू ऑफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई एंड इट्स लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। तो हमें इस प्रोजेक्शंस में ही ट्रू लेंथ लाइन की पता रहेगी, टॉप व्यू में मिलेगी, जो क्यों मिलेगी, वाई,
लाइन इज पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन, और हॉरिजेंटल प्लेन में जो भी व्यू आएगा वो ट्रू लेंथ के बराबर का होगा। ठीक है, सो दिस इज द केस नंबर 3। भैया कोई प्रॉब्लम इसमें, कुछ समझ में नहीं आया हो तो प्लीज, दिस इज ओके। मुझे कोई आवाज ही नहीं आती, लगता आप लोग चले जाते। ठीक है, तीनों 1 2 3 पोजीशन। यस सर। देखो बिल्कुल ही डाउट मत रखना। अब फोर्थ पोजीशन हम ले रहे हैं कि लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। तो मैं यहां से समझाता हूँ पिक्टोरियल व्यू से थोड़ा सा। दिस इज वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। द लाइन इज पैरेलल इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी। अच्छा ठीक है, एचपी के पैरेलल इंक्लाइन टू वीपी। ठीक है, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बोला ही नहीं कुछ, तो आवाज कहाँ से आएगी? जब मैं बोलूंगा तभी तो आवाज आएगी ना। सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं उल्टा जाना पड़ेगा ना इसलिए। सो दिस इज द लाइन ए एंड दिस इज द लाइन बी। ठीक है, ये रही ए बी लाइन। सो दिस लाइन इज इंक्लाइन विथ दिस वीपी, ये वीपी के साथ साथ में इंक्लाइन है। दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाई विद रिस्पेक्ट टू वीपी, वीपी के साथ में इसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो फाई, एंड पैरेलल टू एचपी, ये एचपी के पैरेलल है। तो फ्रंट व्यू इज दिस, दिस इज द फ्रंट व्यू, सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश। टॉप व्यू, दिस इज द टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। नाउ सो फ्रंट व्यू क्या बनी, इस लाइन का फ्रंट व्यू क्या आया? द फ्रंट व्यू इज अ लाइन पैरेलल टू नहीं है सर। क्या, क्या हुआ?
प्लीज रिपीट, क्या हुआ, समझ में आया है कि नहीं? सर पाई वाला एंगल अपन कहाँ से ले रहे हैं? एक्स वाई लाइन इमेजिन करके ले रहे हैं सर। ये वाला जो एंगल है, इसमें जो लाइन जो अपन रहे हैं वो एक्स वाई से पैरेलल होगी क्या? ये एंगल है, ठीक है, दिस इज द केस ना, ठीक है, एंड दिस इज द एंगल विद द वीपी, ठीक है ना, अच्छा द लाइन इज पैरेलल टू एचपी है, ठीक ओके है, तो हम यहां से देख रहे हैं, सो दिस पॉइंट इज प्रोजेक्टेड हियर, दिस पॉइंट इज प्रोजेक्टेड हियर एंड दिस इज द डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, इसको यहां पे प्रोजेक्ट किया तो दिस इज द लेंथ ऑफ द लाइन, ये फ्रंट व्यू, ठीक है, और टॉप व्यू में यही कहीं पॉइंट ये दिखेगा, टॉप व्यू में दिस इज द लाइन, ये जो है दिस इज, ठीक है, फ्रंट व्यू में क्या होगा, फ्रंट ओके व्यू की लेंथ ये, दिस फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, एक्स वाई के तो पैरेलल बनेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ए की डिस्टेंस एचपी से और बी की डिस्टेंस एचपी से दोनों सेम है, तो पॉइंट ए डैश बी डैश जो है फ्रंट व्यू इज पैरेलल टू एक्स वाई, बट जो ए बी का टॉप व्यू है, ये ए बी का टॉप व्यू, दिस इज अ लाइन विच इज इंक्लाइंड विथ द एक्स वाई लाइन, ये एक्स वाई टू लाइन, और ठीक है संतोष, सुन डॉक्टर ऐसे नो कुछ तो डाउट है? सर माइक ऑन हो गया था जी, अच्छा ठीक है चलो। इस केस में क्या होगा, ये है यदि, तो टॉप व्यू ये रही, टॉप व्यू इज इंक्लाइन लाइन, टॉप व्यू एक्स वाई से इंक्लाइन होगी, और फ्रंट व्यू जो है ये एक्स वाई के पैरेलल बनेगा, क्योंकि फ्रंट जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से जो डिस्टेंस है ए और बी की दोनों की सेम है, ए और बी की दोनों की डिस्टेंस फ्रंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से सेम है, तो एक्स वाई से ये डिस्टेंस मतलब ए जीरो ए डैश और बी जीरो बी डैश दोनों की डिस्टेंस सेम है ना, तो लाइन फ्रंट व्यू मतलब क्या होगा इसमें, इन दिस केस फ्रंट व्यू इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई, ठीक है, टॉप व्यू इज अ लाइन इंक्लाइन टू एक्स वाई, दो चीजें होंगी, टॉप व्यू एक्स वाई से इंक्लाइंड है, फ्रंट व्यू एक्स वाई के पैरेलल है, टॉप व्यू लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ लाइन, टॉप व्यू की लेंथ ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। अब ये फाई एंगल लाइन का एंगल है ट्रू लाइन का विथ वर्टिकल प्लेन, और जो टॉप व्यू का एंगल एक्स वाई के साथ है दैट एंगल इज बीटा, इसको हम कहते हैं बीटा, सो बीटा इज एंगल मेड बाय टॉप व्यू विथ एक्स वाई, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, इसके प्रोजेक्शंस क्या बनेंगे, दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ ए, दिस इज द प्रोजेक्टर ऑफ बी, एंड दिस इज द फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश एंड दिस इज द टॉप व्यू ए बी, सो दिस एंगल इज बीटा, ये फ्रंट व्यू, ये प्रोजेक्शंस बनेंगे इसके, इसका एक प्रॉब्लम शायद मैंने ये रहा, नहीं ये नहीं, तो ये होगा इस केस में कि व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइन टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन इट्स फ्रंट व्यू इज अ लाइन
विच इज पैरेलल टू एक्स वाई, टॉप व्यू इज ऑल्सो अलाइन बट इट इज इंक्लाइन टू एक्स वाई, टॉप व्यू लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन एंड फाइ इज द एंगल विच द ट्रू लेंथ मेक्स विथ वर्टिकल प्लेन एंड बीटा इज द एंगल विच द टॉप व्यू मेक्स विथ एक्स वाई. ये दोनों में अंतर है, मतलब ये फाइ एंगल प्रोजेक्शन में आया तो दिस फाइ एंगल इज बिकम्स बीटा. ठीक है, अरे समझ में नहीं आया हो तो प्लीज पूछ सकते हो. आगे बढ़े क्या सर? नहीं आया समझ में. बीटा और फाइ इक्वल है क्या? हाँ अभी इक्वल है, अभी इक्वल है. ओके सर एक बार फिर से समझा दीजिए. क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे. बीटा एंगल, बीटा एंगल सिंपल, दिस एंगल इज बीटा. प्रोजेक्शन में देखो टॉप व्यू एक्स वाई के साथ जो एंगल बना रहा है दैट एंगल इज बीटा, सिंपल. और फाइ एंगल पूछो कौन सा है. फाइ एंगल जो लाइन की ट्रू लेंथ ये वर्टिकल प्लेन के साथ जो एंगल बनाएगी दैट इज फाइ. तो अभी इस केस में बीटा और फाइ दोनों सेम है, मतलब फाइ एक्चुअल एंगल है, बीटा प्रोजेक्टेड एंगल है. प्रोजेक्शन में आने के बाद बीटा हो जाएगा फाइ. ठीक है सर. हाँ बोलो सर. फ्रंट व्यू की लेंथ ए बी कॉस फाइ होगा. फ्रंट व्यू की लेंथ जो होगी ए बी, इसका प्रोजेक्शन इधर लेंगे तो ए बी कॉस फाइ ज्योमेट्री के हिसाब से. यस सर. इट्स अ प्रोजेक्टेड लेंथ. ठीक है, इट्स अ प्रोजेक्टेड लेंथ. ठीक है, और कोई क्वेश्चन? इतना आया तो फिर आगे बढ़े हैं, और नहीं आया तो फिर से समझाऊं. चलो दूसरी पोजीशन समझ लो. नहीं क्लास में हूं अभी, थोड़ी देर बाद बात करेंगे. तो नेक्स्ट पोजीशन इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी. सो इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू वीपी. तो ये रहा हमारा वर्टिकल प्लेन. ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन. नाउ द लाइन इज इंक्लाइन टू एच पी, इंक्लाइन टू एच पी. ठीक है, एंड पैरेलल टू वीपी. ठीक है, दिस इज माई लाइन ए बी. ठीक है, सो दिस लाइन इज, दिस लाइन इज पैरेलल टू वीपी एंड इंक्लाइन टू एच पी. सो द एंगल विथ द एच पी इज दिस. This angle is theta. ठीक है, एंड दिस इज द लाइन. ये लाइन ए बी ए रही. सो ये फ्रंट व्यू, दिस इज बी डैश. ए का फ्रंट व्यू ये रहा ए डैश. सो ए डैश बी डैश इज द फ्रंट व्यू ऑफ लाइन ए बी. नाउ इट्स टॉप व्यू. सो दिस इज ए एंड दिस इज बी. सो दिस इज द टॉप व्यू ऑफ लाइन ए बी. ये ए बी का टॉप व्यू और ये ए बी का फ्रंट व्यू. तो क्या आप फ्रंट व्यू मिला और टॉप व्यू क्या मिला?
बताओ जरा। सर फ्रंट व्यू एडेस बीडेस और टॉप व्यू ए बी। फ्रंट व्यू एडेस बीडेस बराबर है, टॉप व्यू ए बी बराबर है। क्या फ्रंट व्यू की पोजीशन क्या हो गई? सर वर्टिकल प्लेन के पैरेलल। वर्टिकल प्लेन एक्स वाई प्लेन के साथ? क्या एक्स वाई लाइन के साथ? टॉप व्यू ए बी लाइन, दिस इज पैरेलल टू एक्स वाई लाइन। फ्रंट ए बी इज थीटा एंगल बना रही है, इंक्लाइन है सर। दिस ए डैश बी डैश इज द फ्रंट व्यू, एक्स वाई इंक्लाइन, एंड फ्रंट व्यू इज इंक्लाइन विद एक्स वाई लाइन। ठीक है, दिस एंगल हियर इज नोन एज अल्फा। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्रोजेक्शन, दिस इज ए बी, दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश, एंड दिस एंगल इज अल्फा विच इज इक्वल टू थीटा। यहां पर अल्फा और थीटा बराबर है। सो टॉप व्यू इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई, फ्रंट व्यू इज अ लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स वाई, एक्स वाई के साथ में इंक्लाइंड है, कितने एंगल पे? अल्फा पे। एंड फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ, फ्रंट व्यू की लेंथ ट्रू लेंथ के बराबर। फ्रंट व्यू इज अ लाइन इंक्लाइंड टू एक्स वाई, टॉप व्यू इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई। ये चीज थीटा, ये जो थीटा है, ये ए बी जो लाइन है एक्चुअल ट्रू लेंथ, उस ट्रू लेंथ का हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ में एंगल थीटा है, जिसको हमने प्रोजेक्ट किया तो ये एंगल अल्फा हो गया। तो सिंस द लाइन इज पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन, थीटा और अल्फा बराबर रहे, और ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, इसके लेंथ के बराबर होगी। दिस इज, ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, सो दिस इज द फिफ्थ पोजिशन। ठीक है, तो ये समझ में आया? इसका हमने प्रॉब्लम भी किया था, ये वाला, ये रहा प्रॉब्लम। ठीक है, एंड ए की पोजिशन एंड बी की पोजिशन, बी की ए और बी की एचपी के साथ में पोजीशन देख लो, चेंज है, अनइक्वल है, तो ये एबी से इंक्लाइंड, ये एचपी से इंक्लाइंड हुआ, और वीपी से सेम डिस्टेंस है, तो ये वीपी के पैरेलल हुआ। तो दिस इज द फ्रंट व्यू टॉप व्यू। ये ठीक, एनी क्वेश्चन, कुछ डाउट, कुछ समझ में नहीं आया? 1, 2, 3, 4, 5 पोजीशन तक फ्रंट व्यू क्या होगा, टॉप व्यू क्या होगा? किसी को भी कोई 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 डाउट कुछ आया हो, कुछ डाउट, कुछ भी डाउट?
सर जो लेंथ है वो मेजर करके क्या बना चीज? पाएंगे, सर जो लेंथ इक्वल लेंथ बना लेंगे वो मेजर करके बना पाएंगे ना स्केल से। ये तो सब भाई, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट ये सारे कैलकुलेशंस जो होंगे वो स्केल से होंगे ना, पेंसिल की जब हम लेके एक्चुअल डिस्टेंसेस लेके बनाएंगे ना उसको। यस सर। देखो क्या है कि जब हम इसके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, तो हमें उसके पहले ये क्लियर होना चाहिए सबकी लाइन की पोजीशन क्या है, तो उसका फ्रंट व्यू क्या बनेगा और उसका टॉप व्यू क्या बनेगा, फिर कैसे उसको हम ऑप्टेन करेंगे यहाँ पे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में कि लाइन पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोला तो एकदम से दिमाग में आ जाना चाहिए कि पैरेलल टू एचपी एंड वीपी मतलब फ्रंट व्यू और टॉप व्यू पैरेलल टू एक्स वाई और दोनों की लेंथ इक्वल और ट्रू लेंथ के बराबर, ऐसा ठीक है। अब लास्ट केस करें, इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी बोथ। चलो सो लाइन इज इंक्लाइन। अभी सारे केसेस में देखना क्या क्या चीजें थी गिवन, वो हमें मैं एक बार जस्ट रिकैप कर देता हूं। ये पहला केस था जिसमें लाइन इज पैरेलल टू एचपी एंड वीपी बोथ, तो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू दोनों एक्स वाई के पैरेलल बने थे और दोनों की जो लेंथ है वो ट्रू लेंथ के बराबर थी। हियर द लाइन इज परपेंडिकुलर टू एचपी एंड पैरेलल टू वीपी, सो टॉप व्यू इज अ पॉइंट एंड फ्रंट व्यू इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड ऑल्सो फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू द ट्रू लेंथ ऑफ लाइन। थर्ड केस, लाइन परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड पैरेलल टू हॉरिजेंटल प्लेन, सो फ्रंट व्यू इज अ पॉइंट एंड टॉप व्यू इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, सो फ्रंट व्यू इज अ पॉइंट टॉप व्यू इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई एंड टॉप व्यू लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ, दिस इज ये प्रोजेक्शंस में हमें ये मिलेगा। केस नंबर फोर, लाइन इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी, सो इफ लाइन इज इंक्लाइन टू वीपी एंड पैरेलल टू एचपी इट्स फ्रंट व्यू इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स वाई एंड फ्रंट व्यू लेंथ इज लेस देन द ट्रू लेंथ, टॉप व्यू इज अ लाइन व्हिच इज इंक्लाइन टू एक्स वाई एंड द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज बीटा व्हिच इज इक्वल टू फाई, दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वर्टिकल प्लेन एंड दिस इज द केस, लाइन पैरेलल टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइन टू हॉरिजेंटल प्लेन, सो फ्रंट व्यू इज अ लाइन इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा विथ एक्स वाई, टॉप व्यू इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स वाई एंड टॉप व्यू इज लेस देन इट्स ट्रू लेंथ बिकॉज इट्स अ प्रोजेक्टेड लेंथ, फ्रंट व्यू लेंथ इज इक्वल टू ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन एंड फ्रंट व्यू एंगल ऑफ एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल टू द थीटा दैट इज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ द हॉरिजेंटल प्लेन एंड नाउ द थर्ड लास्ट केस, लाइन इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी बोथ, सो व्हेन अ लाइन इज इंक्लाइन टू एचपी एंड वीपी बोथ फ्रंट व्यू एक्स वाई से इंक्लाइन बनेगा, टॉप व्यू एक्स वाई से इंक्लाइन बनेगा एंड ट्रू लेंथ उस प्रोजेक्शंस में कहीं नहीं आएगी। लेट्स सी दिस इज
वर्टिकल प्लेन, दिस इज द हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये गुरु सर ने दिया तेरा काम होगा वापस कर दिया हमने यार काम दिस इज द लाइन ए बी सॉरी नोट दिस वन सॉरी लेट मी करेक्ट दिस दिस इज द करेक्ट लाइन सो दिस पॉइंट इज ए सो दिस इज ए डैश एंड दिस इज बी डैश दिस इज ए एंड दिस इज बी सो ए डैश बी डैश इज दिस लाइन एंड ए बी इज दिस लाइन ठीक है दिस एंगल इज अल्फा एंड दिस एंगल इज बीटा सो दिस फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश इज इंक्लाइन एट एन एंगल अल्फा विद एक्स वाई एंड द टॉप व्यू इज इंक्लाइन एट एन एंगल बीटा विथ एक्स वाई लाइन सो द प्रोजेक्शन विल बी दिस दिस इज ए प्रोजेक्टर बी प्रोजेक्टर दिस इज ए डैश दिस इज बी डैश दिस इज ए दिस इज बी दिस एंगल इज बीटा एंड दिस एंगल इज अल्फा So alpha and beta are the projected angle. A dash B dash is the front view length. AB is the front view top view length. Or in this figure projections, true length nahi hai, true angle of inclinations bhi nahi hai. ठीक है? इतना समझ में आया कि नहीं? This is position number 6. Front view is a line inclined to xy. Top view is a line inclined to xy. Front view length Top view length not equal to true length. These are the projected length. ठीक है? किसी को कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो? सर टॉप व्यू में जो प्रोजेक्टेड लाइन आई है ये वाली सर सर जेड एक्सिस के पैरेलल है क्या जेड एक्सिस के पैरेलल ना जेड एक्सिस के पैरेलल नहीं है जेड जेड एक्सिस के पैरेलल मींस जो अपना प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर है ना जेड एक्सिस के पैरेलल का मतलब हुआ प्रोफाइल प्लेन के परपेंडिकुलर तो नहीं वैसा नहीं होगा ठीक है क्योंकि इस लाइन को आप प्रोजेक्ट करोगे ना इसमें साइड प्लेन में इफ यू प्रोजेक्ट दिस लाइन इन द साइड प्लेन ये रहा साइड प्लेन आपका तो आपने इसको यदि इसको प्रोजेक्ट किया इधर से तो यहां से जो है ये ए प्रोजेक्ट हुआ और ये बी प्रोजेक्ट हुआ ये जो लेंथ मिलेगी ये प्रोजेक्टेड लेंथ रहेगी एबी की साइड प्लेन में ठीक है तो उसके पैरेलल तो नहीं होगी
जेड के, बिकॉज इफ दिस इज एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, सो पैरेलल तो नहीं है. ठीक है, सो यस दीज सर. आर सिक्स केसेस, सिक्स पोजीशन ऑफ लाइन विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड वर्टिकल प्लेन. कोई भी डाउट इसमें हो तो प्लीज पूछ लीजिए. यू आर फेमिलियर, अभी आपको फ्रंट भी समझ में आया लाइन का क्या क्या होंगे. एक्स वाई के पैरेलल हो सकता है, एक्स वाई से इंक्लाइंड हो सकता है, और एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो सकता है. टॉप व्यू, एक्स वाई के पैरेलल, एक्स वाई से इंक्लाइंड और एक्स वाई के परपेंडिकुलर हो सकता है. ठीक है, तो यहां पर आप हमें इस फिगर में कहीं भी ट्रू लेंथ नहीं है लाइन की, ना ट्रू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है एचपी और वीपी के साथ. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. नेक्स्ट क्लास में हम इसके कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे. ठीक है, विल सॉल्व सम प्रॉब्लम्स. एक बार और मैं थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ये, ताकि आपका कोई भी डाउट यदि रह जाता है तो वो भी और क्लियर हो जाए. ठीक है ना, यू कैन रेफर द क्लास रिकॉर्डिंग. हमारी जो क्लास की रिकॉर्डिंग है वो अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं. ठीक है, यस सर.